So hello, good afternoon to everyone. So this is our live class 9, and I guess today 2 to 3 members are not attending class. There might be some reason behind, but जो भी learners active हैं and जो भी learners इस video को continuously watch कर रहे हैं, so I have already completed normalization and function dependency concept, and we have already covered ERD. ठीक है? Next important topic is transaction. So from now onwards we are going to cover transaction. आपको क्या करना है, आपने जो भी प्रीवियस वीडियो देखा है उसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए सॉल्व करना, एंड सम टॉपिक्स पेंडिंग होती है वो हम कभी ना कभी इस सेशन में इंक्लूड कर लेंगे. नाउ इन दिस क्लास फर्स्ट वी विल रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस पढ़ा था. मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था आज टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे, एंड मैंने पूछा था वेदर दिस गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी आर इक्विवेलेंट और नॉट, बिकॉज दिस इज अनदर टाइप ऑफ गेट क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट में 1 और 2 टाइम्स पूछा गया है, एंड इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड कि अब आपका डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म्स कैलकुलेट पे क्वेश्चंस नहीं देंगे क्योंकि वो हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. दे आर समहाउ वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करिए. तो जो भी लर्नर्स अभी लाइव हैं तो मैं उनसे चाहूँगी कि आप नोटबुक लेके बैठे एंड इसका आंसर मुझे प्रोवाइड करें चैट पे. टिल देन मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. हमने प्रीवियसली कवर किया था अगर कोई आपको फंक्शन डिपेंडेंसी 1 गिवन है एंड फंक्शन डिपेंडेंसी 2 गिवन है और आपको अगर इक्विवेलेंस चेक करना है, इक्विवेलेंस चेक करने का ये मीनिंग है कि व्हाटएवर फंक्शन डिपेंडेंसी इज गिवन इन फंक्शन डिपेंडेंसी 1 उसका आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है. किसकी मदद से? फंक्शन डिपेंडेंसी 2 की मदद से. एंड अगेन फिर फंक्शन डिपेंडेंसी 2 का आपको हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए क्लोजर निकालना है. किसकी मदद से? FD1 की मदद से. एंड देन अगर आपको ये मालूम चलता है कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी 1 है 2 है एंड 3 है, अगर आप FD1 की मदद से FD2 को रिट्रीव कर पा रहे हैं एंड FD2 की मदद से FD1 के सारे प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर पा रहे, इट मीन्स कि बोथ आर इक्विवेलेंट. तो किस तरीके से हमें चेक करना, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे दैट इज A टेंड्स टू B, B इज डिपेंडेंट ऑन C एंड A डिपेंडेंट टू C. तो आपको यहाँ पे A+ निकालना है. फटाफट मुझे चैट पे बताना क्या होगा क्लोजर एंड A टेंड्स टू C. ठीक है, तो A का क्लोजर क्या होगा, किससे चेक करना है, तो हमें FD2 के क्लोजर से चेक करना है. तो A के क्लोजर में A खुद का आएगा, A से हम B पे जा रहे हैं तो B इंक्लूड हो जाएगा, B से हम C पे जा रहे हैं तो यहाँ पे C इंक्लूड हो जाएगा, एंड फाइनली हम A से D पे जा रहे हैं. मीन्स हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया कि A का क्लोजर ABCD चारों है. नाउ हम B का क्लोजर निकालेंगे तो B के क्लोजर में B खुद आएगा. फिर यहाँ से आप चेक करेंगे फंक्शन डिपेंडेंसी 2 में हमें क्या मिला कि B से हम C पे जा सकते हैं, एंड इसके बाद कुछ भी नहीं है. अगेन अगर मैं फिर से A का क्लोजर लूँगी तो ऑब्वियसली A का क्लोजर एंड ये दोनों सेम आएगा, तो इसको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको एग्जाम में नहीं है. तो हमने यहाँ पर क्लोजर निकाल लिया A और B का. इसके बाद आपको क्या करना, फंक्शन डिपेंडेंसी 2 को देखना है. इसमें आपका गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C एंड A टेंड्स टू D. आपको A का क्लोजर निकालना है और सिर्फ B का क्लोजर निकालना है. A का क्लोजर हम यहाँ पे फिर से नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपका सेम ही आने वाला है. अब यहाँ पे A के क्लोजर में A आएगा, उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, फंक्शन डिपेंडेंसी 1 में. जब आप 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पे यू विल केम टू नो कि A से हम B पे जा रहे हैं तो यहाँ पे B इंक्लूड हो जाएगा, B से हम C पे जा रहे हैं. इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे B का, तो B से हम B पे जा रहे हैं एंड B से हम यहाँ पे C पे जा रहे हैं. ओके, इज इट राइट और रॉन्ग, जो भी लर्नर से बता देना मुझे. और A+ का यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम ही आएगा A B C. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब हमने क्लोजर निकाला A+ एंड जब हमने क्लोजर निकाला B+ तो B+ इज सेम, ओके, बट A+ इज नॉट सेम. दैट इज इसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट हमें D मिला जो एट्रीब्यूट आपका इसका पार्ट नहीं है, ये आपका इसमें नहीं मिला. इट मीन्स कि जो भी हमने यहाँ पर इक्विवेलेंस के लिए चेक किया था, बोथ फंक्शन डिपेंडेंसी FD1 एंड FD2 आर नॉट इक्विवेलेंट. तो इन दिस वे वी हैव यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस पे गिवन होगा एंड आपको सॉल्व करना है. यस राइट, नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया. नाउ We'll just move to another topic. हाँ, अब हम यहाँ पे ये टॉपिक करेंगे. That is previous section में मैंने आपको minimal cover बताया था. ठीक है, तो अगर किसी ने उस वीडियो को देखा है तो उनको ये आइडिया क्लियर होगा, और अगर आपने नहीं देखा है जस्ट वेरी केयरफुली आप आज इसको समझो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको मिनिमल कवर को याद करना है। याद नहीं करना है, बेसिकली समझना है। तो मिनिमल कवर में आपको दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन डिपेंडेंसी मेथड एंड अनदर थिंग इज एट्रीब्यूट मेथड। ठीक है, अगर आप किसी भी बुक से या नोटबुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे डेफिनेशन लिखे मेंशन है आपको, बट डेफिनेशन से कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्वियसली हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कि आपको चेक करना है जो भी गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका मिनिमम आपको निकालना है। मिनिमम फंक्शन डिपेंडेंसी मतलब जो भी रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी है आपको रिमूव करना है। क्या रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी को आपको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला मेथड है फंक्शन डिपेंडेंसी मेथड, इसमें स्टेप वन क्या बोलता है आपका, आपको सबसे पहले क्लोजर फाइंड आउट करना है। किसका? LHS साइट का। ठीक है, LHS मीन्स लेटर सपोज दिस इज द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है LHS के सारे एट्रीब्यूट्स का, बट विदाउट यूजिंग RHS। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आप अगर जब A का क्लोजर यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आप B को इंक्लूड नहीं करोगे, यहाँ पे जो डिफरेंट फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है आप उसका यूज करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, इसकी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या होगी दो पॉसिबिलिटीज? आइदर आपको RHS वैल्यू रिट्रीव होगा, ठीक है, हम यहाँ पे क्लोजर फाइंड आउट करेंगे और हमें आइदर RHS वैल्यू रिट्रीव होगा, अदरवाइज नॉट रिट्रीव होगा आपको क्या RHS की वैल्यू। तो अगर आपको RHS वैल्यू रिट्रीव हो रही है इट मीन्स यस, अगर मुझे मिल गया इट मीन्स द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी इज व्हाट, रिडंडेंट। इस फंक्शन डिपेंडेंसी का होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे यहाँ पे मेंशन है जिसमें ऑलरेडी हमें मिल रहा है कि हम बी को बी के पास तक जा सकते हैं, बी के घर तक हम पहुँच सकते हैं, इसलिए आप उस फंक्शन डिपेंडेंसी में रिडंडेंट है तो आप इसको क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। मतलब ये पूरा फंक्शन डिपेंडेंसी आपका इग्नोर हो जाएगा, आइदर आप उसको रिड्यूस कर दोगे। बट अगर आपको वो रिट्रीव नहीं हुआ RHS वैल्यू, मतलब कि जहाँ पे अगर अदर फंक्शन डिपेंडेंसी है अगर आपको ये RHS वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, देन आप ये कंक्लूड करोगे इट इज नॉट रिडंडेंट, जो गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी है वो नॉट रिडंडेंट है, इसलिए आप यू कैन नॉट इग्नोर दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसको डेटाबेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया कि आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है, किसका क्लोजर निकालना है, LHS का, और जिसमें RHS की वैल्यू को आपको यूज़ नहीं करना है। अगर बिना उसको यूज़ किए अगर आपको वो वैल्यू मिल रही है इट मीन्स कि वो रिडंडेंट है, अदरवाइज वो रिडंडेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात आती है एट्रीब्यूट मेथड। तो एट्रीब्यूट मेथड को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट अस सपोज ये आपका गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट मेथड में किस तरीके से आएगा, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे आपके चार कॉलम बनेंगे, डेट इज A, B, C। लेट अस सपोज हमने यहाँ से किसको D को हाइड कर लिया, ठीक है, एक बार D को हाइड करेंगे, एक बार सपोज हमने C को हाइड कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे B को हाइड कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे A को हाइड कर लिया। तो ये जो आपका वैल्यू है दिस इज नोन एज कंपोजिट वैल्यू, ठीक है। तो कंपोजिट वैल्यू में हमने क्या किया, यहाँ से D को इग्नोर किया है, D को यहाँ पे इग्नोर किया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन सेम मेथड यूज करना है। यहाँ पे हमें D को चेक करना है कि क्या D रिडंडेंट है, यहाँ पे C को चेक करना है, यहाँ पे B को चेक करना है, एंड यहाँ पे B, C, D दैट इज A को चेक करना है। क्वेश्चन में आपको जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन होगा आप उसकी मदद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और अगर आपने ये फाइंड आउट किया कि आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को गेट करो डेट इज D, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है इसके क्लोजर निकालेंगे और इसके क्लोजर में अगर आपको D मिल गया इट मीन्स कि अगेन ये वाला एट्रीब्यूट आपका क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो सेम मेथड को यूज करना है, बस यहाँ पे LHS वैल्यू में आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे LHS की वैल्यू को सेपरेटली लेना है और अगर आपको ये सेम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल जाएगा, ये सेम एट्रीब्यूट की बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे एट्रीब्यूट की बात होती है और यहाँ पे हम फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करते हैं रिडंडेंट है या नहीं। तो अगर ये एट्रीब्यूट आपको क्लोजर में मिलेगा, डेट इज एबीसी का जब आप क्लोजर निकालोगे और यहाँ पे इसके क्लोजर में अगर आपको कहीं से भी डी मिल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको लेटर सपोज गिवन है सी टेंड्स टू डी, तो सी से आप डी पे चले जाओगे, तो यहाँ पे डी इंक्लूड हो गया, इट मीन्स ये आपका रिडंडेंट है और आप इस एट्रीब्यूट को इग्नोर कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट मेथड का यूज होता है एंड ये दोनों मेथड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कहीं से भी इसका नोट्स पढ़ेंगे तो इसमें इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखा है कि कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, जस्ट वन सेकेंड, आई गेस अनदर वन इज okay, then solve this question. You have to give me minimal cover. आपको इसका minimal cover निकालना है, ठीक है, find करना है minimal cover। आप खुद से नोटबुक पे बनाइए, till then मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी और आपको फिर मैच करना है कि आपको वेदर ये आंसर आपका सही है या नहीं है। तो minimal cover कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सबका क्लोजर निकालना करो, एडी, व्हाट इज एडी, नहीं मिनिमल कवर निकालना। मिनिमल कवर मतलब ये आपका 1 2 3 4 5, ये 5 आपके फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है इस क्वेश्चन में। आपको इसको रिड्यूस करना है कि आइदर इसमें से कुछ रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दो मेथड दोनों आपको लगाना है कि फंक्शन डिपेंडेंसी मेथड भी लगाना है और एट्रीब्यूट मेथड भी लगाना है। कैसे हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट मेथड लगाना है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो आपको फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, आप अगर देखोगे कि एलएचएस में कहीं पे भी 2 एट्रीब्यूट है, इट मींस कि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है और इसका इस वाले फंक्शन डिपेंडेंसी में आपको ये मेथड लगाना है। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एलएचएस में सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे एफडी मेथड यूज होगा, अदरवाइज यहाँ पे एट्रीब्यूट मेथड यूज होगा। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या है? इसका क्लोजर निकालो। ए का क्लोजर कैसे निकालेंगे? इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड करेंगे तो अब ए से हम कहाँ जा रहे हैं? ए से हम ए पे जाएंगे, उसके बाद ए से हम ई पे जा रहे हैं और किसी पे जा रहे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ए से सिर्फ ये दोनों आया, तो क्या हमें यहाँ पे बी सी मिला? नहीं मिला, तो हम एग्जाम में यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, नॉट रिडंडेंट, ठीक है। नॉट रिडंडेंट का क्या मीनिंग है? ये फंक्शन डिपेंडेंसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, मतलब ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद बी का क्लोजर निकालो, तो फिर इसको हाइड कर दो, बी के क्लोजर में बी आएगा, बी से और कुछ भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स अगेन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ए का क्लोजर निकालो, इसको हाइड कर दो, ठीक हो, ठीक है, वन सेकेंड, इसको हाइड अगर करोगे आप, इसको अगर आप हाइड करोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए से हम बी पे जाएंगे, बी से हम सी पे जाएंगे, पहले एफडी का यूज करके, क्यों? क्योंकि ये इग्नोर नहीं हुआ है तो ये आपके डेटाबेस में है। ओके, ए बी सी आ गया, बी से आप किस पे जा रहे हो? सी पे और ई पे आ रहे हो। इसके बाद ए सी से आप किस पे जा रहे हो? एच पे जा रहे हो, ठीक है, तो एच पे जा रहे हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला? आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो, हमें क्या चाहिए था? ई। क्या हमें ई मिल रहा है? यस, वी आर गेटिंग ई। और ई हमें कहाँ से मिला? हमें इस वाले फंक्शन डिपेंडेंसी से मिल गया ई। इट मीन्स कि ये जो आपका गिवन ए सी ए टेंड्स टू ई है, ए टेंड्स टू ई है, ये क्या हो गया? रिडंडेंट हो गया। तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको ड्रॉप कर दोगे, आप डेटाबेस से इसको डिलीट कर दोगे, तो इस तरीके से वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं ए सी, ठीक है। ए सी का क्लोजर लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए सी, एसी से आप ए से किस पे जा सकते हो? बी पे जा सकते हो, बी से आप सी और ई पे जा सकते हो एंड यहाँ पे एच मिलेगा हमें एसी से। यस, एसी एच, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से एच नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच एक ही जगह है, इट मीन्स कि इसको भी आप इग्नोर कैन नॉट इग्नोर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एच नहीं मिला। इसके बाद यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो, तो डी से डी आएगा, डी से और कुछ भी नहीं आएगा, इट मीन्स कि आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद फाइनली हमें क्या मिल गया? फाइनली हमने ये देखा कि ये वाला आपका नहीं है, मतलब आपका जो मेन यहाँ पे आया ए टेंड्स टू बी सी, दिस वन, ये चार फंक्शन डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी मेथड हमने डिस्कस कर लिया। इससे हमने ये फाइंड आउट किया, आपको क्वेश्चन दे देगा विच फंक्शन डिपेंडेंसी कैन बी ड्रॉप्ड या कौन सा रिडंडेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था यूजीसी नेट में। तो आप आंसर क्या लगाओगे, ए टेंड्स टू ई इज रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि हमें ई मिला था इस वाले से। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमें ई फाइंड आउट किया, ई किसके थ्रू मिला हमें, फंक्शन डिपेंडेंसी सेकंड की मदद से। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या इतना आंसर लगा देना है, नहीं, आंसर के लिए आपको सेकेंड मेथड एट्रीब्यूट मेथड भी अप्लाई करना है। तो एट्रीब्यूट मेथड किस पे अप्लाई करोगे, सिर्फ ए सी टेंड्स टू एच पे। क्यों? क्योंकि ये आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो इसको कैसे करोगे, एक बार यहाँ से हमने C को इग्नोर कर दिया और एक बार हमने यहाँ से H को इग्नोर कर दिया। अगर A को इग्नोर कर दिया, यहाँ पे किसी को डाउट है तो चैट पे पूछ लेना प्लीज, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे A का क्लोजर निकालोगे तो A के क्लोजर में आपको क्या आ जाएगा, A के क्लोजर में A, B, C एंड B के क्लोजर में आपका C E है एंड AC के क्लोजर में आपका H आया। तो जैसे ही आपको H आया इट मीन्स कि आपको क्या हो गया, यहाँ पे H रिट्रीव हो रहा है, इट मीन्स ये वाला क्या हो गया, ये रिडंडेंट आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये रिडंडेंट एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर दोगे और यहाँ पे जब आप C का क्लोजर लोगे, C के क्लोजर में सिर्फ C आएगा और तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हेंस इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बनाया आप लोग ने, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा A टेंड्स टू बी सी, B टेंड्स टू सी ई एंड C टेंड्स टू H। यहाँ C टेंड्स टू H क्यों लिखेंगे, क्योंकि A आपका ड्रॉप हो चुका है एंड D टेंड्स टू B। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस और नो? फाइन शिवानी, यस, ओके। अब आप जब इसका चेक करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फंक्शन डिपेंडेंसी निकाला, आप इसको चेक करके मुझे बताओ क्या इसको आप और रिड्यूस कर सकते हो। कैसा होता है कभी कभी इस क्वेश्चन का जब आप आंसर देखोगे तो आइदर आंसर में आपको ये ऑप्शन मिल जाए, अदरवाइज इसका फाइनल आंसर में क्या होता है कभी कभी, आप यहाँ पे चेक करो ए टेंड्स टू बी सी है और बी से आप फिर से सी ई पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में फिर से रिडंडेंट हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसी फंक्शन डिपेंडेंसी को और रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हो, A टेंड्स टू BH। BH मैंने कैसे लिखा, B से हम CE पे जा रहे हैं और C से हम H पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, C की जगह पे हमने H को रखा और B टेंड्स टू हमारा CE रह गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन डिपेंडेंसी को एक रिड्यूस और कर लिया और ये तो आपका सिंगल एट्रीब्यूट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। तो आपका अगर ऑप्शन में ये गिवन है या अगर आपका ऑप्शन में ये गिवन है, दोनों आंसर सही होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको आंसर ये गिवन है बट वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हुआ था कि मैम आंसर हमें मैच नहीं हो रहा था। तो आंसर इसलिए नहीं मैच हो रहा था क्योंकि आपने जो सेट थ्योरी में पढ़ा है ना, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आपको A टेंड्स टू B है, B टेंड्स टू C है, तो आप A टेंड्स टू C को इग्नोर करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप पोसेट में पढ़ते हो, पोसेट में हम हर एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, तो वही सेम चीज आपका यहाँ पे भी होता है। बेसिकली आप यहाँ पे रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। तो रिलेशन सेट थ्योरी में भी आप रिलेशन क्रिएट करते हो, सिमिलरली आप डीबीएमएस में भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना और अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप मेरे से इसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन ना। आज का हमारा टॉपिक है ओके डिस्क्रीट का, ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में मैंने यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि ट्रांजैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहला मैं आज फास्ट मैं आपको सिंपली समझाती हूँ ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप समझ लो तो आपको कोआ में भी इजी होगा। ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये होता है, आपके पास मल्टीपल टास्क है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें वहाँ पे भी टास्क होगा या आप उसको प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसी चीज़ को प्रोसेस बोलेंगे एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम उसी चीज़ को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एंड अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करोगे तो वहाँ पे आपके शेड्यूल्स हो जाते हैं। तो बेसिकली ये शेड्यूल की ही बात होती है यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन दो क्या है, ट्रांजेक्शन मीन्स कि वॉट एवर टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। जैसे आपने एक क्वेरी रेज किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है क्लासरूम में, तो दिस इज अ क्वेरी, दिस क्वेरी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। तो अगेन SQL का अगर आपने सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगाया है तो सेलेक्ट क्वेरी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि आप वहाँ पे एक ट्रिगर बना रहे हो, वहाँ पे आप एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे इंसर्ट भी हो रहा है एंड साथ में अपडेट भी हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो वी हैव सो मेनी ट्रांजेक्शन्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So basically we can say transaction is what, these are known as operations used to perform a certain work. अब यहाँ पे बात आती है ऑपरेशन क्या है। तो आप ऑलरेडी पढ़ते हो आइदर किसी भी चीज़ को, आप जैसे SQL में हम पढ़ते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सिमिलरली इन ऑपरेशन यू हैव रीड ऑपरेशन, यू हैव राइट ऑपरेशन एंड आइदर राइट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, कमिट करोगे। रीड किया मतलब लेटर सपोज अगर ये अभी हम क्लासरूम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ और उसके बाद अगर मैं क्या करती हूँ इस पीपीटी को मैं फाइनली सेव कर देती हूँ तो मेरे मशीन में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन। फिर ट्रांजेक्शन में आपका कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछा गया है एंड अगर आपने 2020 का क्वेश्चन दिया होगा तो इस बार उन्होंने प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो प्रॉपर्टीज क्या है ये आप सभी को पता है, इन सबका डेफिनेशन दैट इज ए से हमारा होता है एटॉमिसिटी। बट इस ऑपरेशंस को बहुत ध्यान से समझो, इसकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिसिटी मतलब क्या, आपने अपनी ग्रेजुएशन में या आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, देयर इज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं देयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट यूनिट इज नोन एज एटम, ठीक है। एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट इसलिए बोला गया है, क्यों, क्योंकि आप इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ डेट इज द कीवर्ड, बस उस कीवर्ड को समझो, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये समझ में आया एटम। उसके बाद आपका इसमें हम किस तरीके से इसको याद करते हैं, जैसा अभी आपने बताया प्रिया, आइदर, ऑल और नथिंग। तो ये कीवर्ड्स आपको लिख के याद करना है एंड टाइम पर रिविजन के लिए। ऑल और नथिंग का मतलब है कि आइदर जैसे मैंने बोला क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, इस दोनों के बीच में कोई बीच का सिचुएशन है नहीं है, ठीक है। आइदर पूरा 101% क्लास होगी अदरवाइज क्लास नहीं होगी। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि देयर इज 50-50 सॉल्यूशन और देयर इज 50-50 कंडीशन और कंस्ट्रेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं आइदर ऑल और नथिंग। मतलब कि जैसे अगर आप अमेजन पे जाकर कोई प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। ट्रांजेक्शन करने के बाद आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ आपके अकाउंट से, तो अमाउंट डिडक्ट हुआ इसका मतलब आपको डिलीवरी मिल जाएगी इस प्रोडक्ट की। अदरवाइज अगर इंटरनेट का कनेक्शन फेल हुआ तो आपका पैसा तो कट गया बट आपकी क्या हो गई, वहाँ पे दिखाया कि आपका जो ट्रांजेक्शन था वो फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया तो फेल के केस में क्या होता है, बैंक हमें क्या करेगी, फिर से उतना ही अमाउंट क्रेडिट कर देती है। यहाँ पे ऐसा होता है क्या कि अगर सपोज आपने 1000 का अगर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो 500 आपका डिडक्ट होगा और 500 आपको क्रेडिट होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, नहीं होता ना ऐसा, यस और नो। आइदर आपको प्रोडक्ट अगर मिलेगा, इफ़ यू विल रिसीव द प्रोडक्ट, देन आपके पूरे 1000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आपके अकाउंट से। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है इट मीन्स कि आपका फिर से वो +100 हो जाएगा। दैट्स वाई एटॉमिसिटी मीन्स whenever any transactions is going to take place, either that transaction will be completed as a whole, otherwise वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। 50-50 का सिचुएशन नहीं होगा कि यार मेरा मूड है तो मैं ज़्यादा खाना खा लूँ या मूड नहीं है तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया एटॉमिसिटी। कई बार आपको क्वेश्चन ये पूछा है ट्रांजेक्शन में मैच द फॉलोइंग में, सी मीन्स व्हाट, कंसिस्टेंसी है, कंक्रीटनेस है, कंप्लीटनेस है। कई बार ये आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट में, तो बहुत ध्यान से समझना। सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर वन है, पेपर वन में आपका कम्युनिकेशन में 7 C's होते हैं, आपको मे भी याद होगा। तो 7 C से इसको रिलेट मत करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑलवेज सी मीन्स होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है बताओ, व्हाट इज द की वर्ड फॉर कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब व्हाट, तो आपको नोट्स में लिखना, नो वायोलेशन ऑफ इंटीग्रिटी। ये दोनों टर्म आपस में इंटर रिलेटेड है। नो वायोलेशन ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब, तो सी से कैसे याद कर सकते, रिजल्ट विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। यस, करेक्ट। नो वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी मतलब अगर आपने आज प्रोग्राम बनाया है A+B का, एंड अगर आप इसका कांस्टेंट वैल्यू 5 और 10 डाल रहे हैं, तो ऑलवेज ये हमेशा आपको 15 देगा। ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर 1 मंथ जब आप इस सेम प्रोग्राम को रन करें तो इसकी वैल्यू 50 होगी, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंसिस्टेंसी। तो सी से आप याद कर लेना कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स व्हेनेवर सम ट्रांजेक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस, आइदर वो जो भी इसका आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। मतलब एक बार अगर आपने डेटाबेस में जाकर उस ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया तो ऑलवेज वो वैल्यू को वो रिटेन करेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। दैट इज नोन एज नो वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब डेटा जैसा आज स्टोर है वैसा ही आपका हमेशा स्टोर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, वो नाम से ही क्लियर है, जो अपने आप में अलग से आप काम करते हो। आइसोलेशन मीन्स आइसोलेटेड। जैसे एग्जाम के समय पे हम आपको बोलते हैं आप आइसोलेट होके पढ़ो, तो दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब इफ देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ डेटाबेस। ओके, कई सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे अभी हम साथ में पीपीटी पे हम वीडियो बना रहे हैं, साथ में बैकग्राउंड में मेरा मे भी यूट्यूब खुला है, साथ में मेरा जीमेल अकाउंट ओपन है, तो आपका इस पीसी में एट अ टाइम, यस करेक्ट, एट अ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं अभी ये क्लास ले रही हूँ तो बिकॉज कि मेरा यूट्यूब और जीमेल खुला है तो मेरी इस क्लास में कोई प्रॉब्लम आए। सो दिस इज नोन एज आइसोलेशन व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इज गोइंग टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं होना चाहिए, एंड अगर एक का इफेक्ट दूसरे पे हो रहा है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, एंड उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में आपका कई सारा हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है, डेट इज व्यू सीरियलाइजेबल एंड हमें पढ़ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो ये दोनों हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को भी साथ में कवर करेंगे। तो दिस इज आइसोलेशन कि एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली डी इज, ये तो नाम से क्लियर, ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका फ्यूचर में डेटा हमेशा अच्छी तरीके से स्टोर होना चाहिए। रिकवरी फ्रॉम फेलियर, ठीक है। लेटर सपोज हमने क्या किया, कई जगह मल्टीपल बैकअप्स बना के रखा है, सो दैट कि अगर इस पीसी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम ड्राइव से जाकर अपनी फाइल को रिट्रीव कर लेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इसके कीवर्ड पे मैच द फॉलोइंग के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे शेड्यूल की। शेड्यूल क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज शेड्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को ही इन अनदर टर्म यू कैन से शेड्यूल, किसी काम को करने का टाइम, दैट इज शेड्यूल। हाँ, वो एक्चुअली वो दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम द डिक्शनरी कि शेड्यूल आपका टाइमिंग होता है, करेक्ट। पर यहाँ पे वो वाला डेफिनेशन काम नहीं आएगा, बट दैट इज करेक्ट डिक्शनरी वर्ड है वो। यहाँ पे बेसिकली हमें शेड्यूल का मतलब समझना है ट्रांजेक्शन से ही, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी को आप बोलते हैं शेड्यूल। अब यहाँ पे बात आती है सीरियल शेड्यूल एंड पैरेलल शेड्यूल, जो एक साथ ऑपरेट हो। तो सीरियल में क्या होगा, लेट अस सपोज हमने ये T1, T2, T3 3 ट्रांजेक्शन बनाया है, तो सीरियल में क्या होता है आपका पहले T1 एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद T2 एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद T3 एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीरियल डिफाइन किया है। इसके कंप्लीट होने पे ही ये एग्जीक्यूट होगा, इसके कंप्लीट होने पे ही ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बट देन टेल मी, सीरियल शेड्यूल में क्या कभी भी आपको कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं? यस और नो? सीरियल ट्रांजैक्शन में क्या कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा? काफी सारे नो। अब काफी सारे स्टूडेंट को ट्रांजैक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत टफ लगता है, तो मैं सारे लर्नर्स को ये बोलना चाहूंगी, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है क्रिटिकल सेक्शन वाला सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन आप पढ़ते हो, आप सीमाफोर पढ़ते हो, है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ते हो। वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि अगर आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो आपने एक ऐसा सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन बना दिया कि कई सारे ट्रांजैक्शन इसमें इंटर तो कर सके, बट एट अ टाइम सिर्फ एक इंटर करेगा और सिर्फ एक ही रिसोर्सेज को यूज करेगा। ओके, हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डीबीएमएस में आपको इम्प्लीमेंट करते हो बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल्स। ठीक है, आप शेड्यूल बनाते हो, उसकी कोडिंग होती है, जैसे एसक्यूएल होती है वैसे शेड्यूल्स हम बनाते हैं, क्रिएट शेड्यूल करके, है ना, जैसे क्रिएट ट्रिगर्स, क्रिएट व्यूज होते हैं, वैसे हम शेड्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बिकॉज कि एक के खत्म होने के बाद दूसरे का हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन, इसीलिए यहाँ पे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सीरियल शेड्यूल, बट ये सेम इसका डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। डिसएडवांटेज कैसे हो जाएगा? लेट अस सपोज, जैसा आप ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग पढ़ते हो, ठीक है, शेड्यूलिंग का ये मीनिंग है कि अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 2 मिलीसेकेंड चाहिए एंड दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लेट अस सपोज 12 मिलीसेकेंड चाहिए, और ये अगर अगर ये पहले आया तो इसको बिकॉज कि इससे कम टाइम चाहिए फिर भी ये इतना वेट करेगा, है ना। तो दिस इज द ड्रॉबैक कि आपको यहाँ पे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो थ्रूपुट होता है वो भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो ये सारी चीजें आप शेड्यूलिंग में जो पढ़ते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि हर इफिशिएंट नहीं होगा, तो सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ो। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी को बोलते हैं कि अगर आपने ओएस में इस चीज को अगर अच्छे से समझ लिया है तो डीबीएमएस में अगर आपने ट्रांजेक्शन आप नहीं भी पढ़ के गए हो फिर भी इसके थ्योरी के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सपोज यहाँ पे इसने 4 डेफिनेशन दे दिया, 4 डेफिनेशन देने के बाद ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में विच इज द लिमिटेशन, विच आर द एडवांटेजेस। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। तो ये सीरियल की बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि सीरियल शेड्यूल तो हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट में ये पढ़ना है जब कई सारे ट्रांजेक्शन्स आपस में एक साथ आपके सिस्टम में आ जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होगी, तो उस प्रॉब्लम्स को वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। वो सीमाफोर इज अ टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे लेंगे तो आपको फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। सीमाफोर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स है जो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो बिकॉज कि वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या हो जाएगा? जो हमने इसका लिमिटेशन पढ़ा था, दैट इज थ्रूपुट हाई होगा, एफिशिएंट होगा, आप एक साथ कई सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हमने बस समझा है कि सीरियल और पैरेलल क्या है। हाँ, अब हम कोवा में आपको बता रहे थे, कोवा में आप पाइपलाइन में इस बार भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसी चीज को यहाँ से रिलेट कर सकते हो। पाइपलाइन मीन्स क्या कि आपका या तो वो सीरियली में एग्जीक्यूट होगा, एक के खत्म होने पर दूसरा, दूसरे के खत्म होने पे तीसरा और तीसरे के खत्म होने पे फोर्थ स्टार्ट होगा। अदरवाइज आपके पाइपलाइन पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इस बार पैरेलल पाइपलाइन पे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो सेम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको बता देती हूँ। पूछा था फॉर द सेट ऑफ एंड ट्रांजेक्शन, बताना मुझे फॉर द सेट ऑफ एंड ट्रांजेक्शन कितने नंबर ऑफ आपके सीरियल शेड्यूल बनेंगे एंड कितने नंबर ऑफ आपके पैरेलल शेड्यूल बनेंगे। तो इसका आंसर होता है सीरियल के लिए, बिकॉज कि सीरियल है एक के बाद एक, तो ये होगा n फैक्टोरियल। जितने नंबर ऑफ शेड्यूल उतने नंबर ऑफ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बनेंगे। बट अगर पैरेलल की बात आती है तो पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है आपके जितने नंबर ऑफ नहीं n फैक्टोरियल होगा, n माइनस नहीं बनेगा। पैरेलल का होगा कि जितने भी आपके गिवन ट्रांजेक्शन है आप उन सबको ऐड करोगे, उसका फैक्टोरियल लोगे डिवाइडेड बाई सबका इंडिविजुअल फैक्टोरियल का आपका मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है ना, इस पे क्वेश्चन बस एक ही बार पूछा था और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके गेट में पूछा गया था। तो इसको बस आप नोट मेकिंग कर लो। तो इसमें या तो आपको ये गिवन होगा कि पैरेलल का ये फॉर्मूला होगा या फिर सीरियल का ये होगा, अदरवाइज वो आपको सेट ऑफ वैल्यूज दे देंगे और उस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सिंपली आपको पुट करके कैलकुलेट करना होगा। इस पर कभी यूजीसी नेट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर गेट में आपको एक बार क्वेश्चन पूछा है इसके फॉर्मूला पे ही। तो इसको आप नोट मेकिंग में जरूर लिखिएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्लियर हुआ पैरेलल एंड सीरियल ट्रांजेक्शंस, ओके यहाँ पे क्लियर है। ओके यस, अब हम ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज समझो, पहले आपके पैरेलल शेड्यूल ठीक है, ट्रांजेक्शन से हमने पढ़ा रीड है राइट है। जब आपके T1 ट्रांजेक्शन सपोर्ट रीड कर रहा है, T2 भी रीड कर रहा है, तो इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा पहले ये समझ लेते हैं। आपके दो ट्रांजेक्शन है रीड राइट, राइट रीड एंड रीड रीड। तो हमें पता है कि जब भी आप रीड करते हो ठीक है तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हो। बट जैसे ही आपने राइट करना शुरू किया, अपडेट करना शुरू किया, देन ओनली आपके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो रीड राइट, राइट रीड और रीड रीड और राइट राइट, इन तीनों के केस में आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया, रीड किया हमने ट्रांजेक्शन को, ये आपका T1 है, नहीं यहाँ पे नहीं T1, रीड किया, यहाँ राइट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये वाला जो केस है केस 1, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या बताना मुझे। ये दूसरा केस लिख रही हूं, किसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा किसमें नहीं होगा। केस 1 में कॉन्फ्लिक्ट होगा या केस 2 में कॉन्फ्लिक्ट होगा। यस, इस दोनों में से किसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। वाई वाई लेट मी एक्सप्लेन बिकॉज हाँ यहाँ पे मे भी कोई देखो। अब केस 1 केस 2 को बहुत ध्यान से देखना। मैंने सेम पर ऑपरेट नहीं कर रहे। हाँ सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रीड कर रहे हैं ए ट्रांजेक्शन को और ये रीड कर रहा है बी ट्रांजेक्शन को। सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप लेट अस सपोज मैंने मान लिया अमन नाम का एक स्टूडेंट है ठीक है और आकाश नाम का एक स्टूडेंट है, ये क्लास 5 है ठीक है। क्लास 5 में 2 स्टूडेंट हैं। जब मुझे अमन को कॉल करना होगा मैं इसको उसके नाम से कॉल करूंगी, जब आकाश को कॉल करना होगा उसके नाम से कॉल करूंगी। तो क्या इन दोनों के बीच में कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। तो कभी भी जब आप ट्रांजेक्शन्स को रीड करते हो, ट्रांजेक्शन में जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम कभी भी डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे नहीं होगा। यहाँ पे समझना था आपको ए और बी बोथ आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन, तो जब दोनों डिफरेंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब चाहो आप इसको एग्जीक्यूट करो, जब चाहे आप इसको एग्जीक्यूट करो। क्यों? क्योंकि बोथ के रिसोर्सेज क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बात आती है केस वन में। केस वन में हम ये बोल रहे हैं कि हम रीड कर रहे हैं एक ट्रांजेक्शन को, राइट कर रहे हैं उसी ट्रांजेक्शन को, फिर से राइट कर रहे हैं उसी ट्रांजेक्शन को, रीड कर रहे हैं उसी ट्रांजेक्शन को। मतलब क्या है कि एक क्लासरूम में अमन कुमार है, उसी क्लासरूम में फिर से एक अमन कुमार है, उसी क्लासरूम में फिर से एक अमन कुमार है। तो अब अगर मैंने बोला अमन कुमार स्टैंड अप, देन बोथ थ्री मेंबर विल गेट कंफ्यूज कि मैम ने किसको कॉल कर लिया। इट मीन्स कि जब एक ही तरीके का, जब आपके पास सेम रिसोर्सेज है, देन उस सेम रिसोर्सेज में ही कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस इंक्लूड होते हैं, अराइज होंगे। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड हियर फॉर कॉन्फ्लिक्ट आपकी तीन मेन कंडीशन होना चाहिए। पहला कि दोनों आपके डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। डिफरेंट ट्रांजेक्शन मतलब ये वाली चीजें, रीड राइट, राइट रीड एंड रीड रीड, ठीक है। सेकेंड कि सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए। सेम डेटा आइटम, सेम डेटा आइटम मतलब यहाँ पे जैसे हमने यूज किया है ए को। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम आपका वन राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, आपका यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन है, यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन है और यहाँ पे एटलीस्ट है, तो एटमोस्ट मतलब कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा देन ओनली आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो कल के सेक्शन में, कल के सेशन में हम यहाँ पे आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं, दैट इज क्वेश्चन जो आपका आएगा, कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ, सर्किल के बेसिस पे आपको ये चेक करना है कि वेदर द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको सर्किल बनता है तो सर्किल को केस टू में होगा, नहीं केस टू में नहीं होगा ना। केस टू में कैसे होगा, यहाँ पे देखो टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए, सेम डेटा आइटम, यहाँ पे डेटा आइटम अलग है ना, यहाँ ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है। सेम डेटा आइटम मतलब कि अगर आपके पास सपोज आपके पास अगर नोटबुक है और आपके घर में किसी के पास नहीं है और दूसरों को भी नोटबुक ही चाहिए, देन ओनली कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। लेट अस सपोज अगर किसी को नोटबुक चाहिए और किसी को टैब चाहिए, तो दोनों के पास अगर अलग अलग रिसोर्सेज है तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएगा। आप अपने लेट अस सपोज अगर आपके घर में कोई आपका ब्रदर है, ठीक है, आप दोनों के पास अपना अपना, एक के पास नोटबुक है अपने, एक के पास अपना टैब है, तो क्यों आएगा कॉन्फ्लिक्ट, नहीं आएगा। बट अगर लेट अस सपोज आपके पास एक ही है, जब एक ही रिसोर्स है आपके पास और मल्टीपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है, सबको वो सेम ही ट्रांजेक्शन्स चाहिए, देन ओनली आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना। तो यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स है, मल्टीपल रिसोर्सेज है, तो मल्टीपल रिसोर्सेज मतलब डिफरेंट डेटा आइटम, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और बिकॉज यहाँ पे सेम डेटा आइटम है, ट्रांजेक्शन्स अलग अलग है, रीड राइट है और यहाँ पे राइट ऑपरेशन है, इसलिए आपके कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो कल के सेशन में वी विल कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अगर टाइम मिलेगा तो हम चेक करेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ओके। तो कल ट्रांजेक्शन्स का ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स में डायरेक्टली हम फिर चले जाएंगे वहाँ पे टू फेज लॉकिंग, क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका टू फेज लॉकिंग है। तो एक से दो क्लासेस में आपका ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे क्या करना है। टिल देन जो भी लर्नर्स इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, ओके, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट होगा। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स यू कैन जस्ट ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, इसको आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप फेसबुक पे भी ज्वाइन करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज इन द कमिंग डेज फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स मैं आपको क्विक रिविजन पेजेस प्रोवाइड करूँगी जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल तक लेके जाएगा। अल्टीमेटली आपको यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए सारे को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है एंड डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप अभी थोड़ी देर में आपका ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। सो लेट्स मीट अगेन टुमारो एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कोई